Gee viewers, good morning. भैया मैं जरा मास्क सही कर लूँ, मैंने कहा आप लोग वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जी, तो मेरी सवारी जो है ये मैं जा रहा हूँ क्या नाम है डाउनटाउन की तरफ, कि बड़ी बेचैनी सी थी, देखते हैं कि भाई डाउनटाउन इस वायरस के जिम्मे में क्या उसकी पोजीशन है, क्या नाम है, हाउ मच ट्रैफिक इज देयर। तो देखें, मौका लगा तो यकीनी बात है मैं बाहर निकल के भी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो गाड़ी में तो बनाएंगे ही। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू ड्राइव इन डाउनटाउन सिंस नो ट्रैफिक, आई बिलीव नो ट्रैफिक। तो चलें, वहां जब पहुंचते हैं तो फिर बात करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब मैं जो हूं क्वीन माफ कीजिएगा, ये तो गला जो है ना पहले ही डर ही लगा रहता है। तो मैं जा रहा हूँ क्वींस एंड लैंड्स डाउन उस एरिया के अंदर, फिर वहां से मुझे अगर मौका लगा तो मैं डाउनटाउन की तरफ जाऊंगा, दो चार गलियां जो हैं, दो चार, तो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप देखें कि इसका डाउनटाउन पे इसका क्या असर पड़ा है। मौसम बहुत अच्छा है, 13 डिग्री है, तो लोग देखें सामने जो हैं लॉन की अपनी सफाइयां शुरू कर दी हैं, लोगों ने मौका मिला है क्योंकि स्प्रिंग लाइक वेदर, क्या स्प्रिंग तो आ ही गया है, और लोग सफाइयां कर रहे हैं। अब रोड की हालत देखनी है कि रोड पे क्या है। एक और जो चीज हुई है कनाडा वासियों के लिए कि लोग अपनी हेल्थ की तरफ काफी तवज्जो दे रहे हैं, घर में फारिग हैं तो, और इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पर नॉर्थ में। मोस्टली जो कैनेडियंस हैं इनके कॉटेजेस होते हैं नॉर्थ में समर के अंदर, समर के लिए बेसिकली, तो ये कॉटेजेस में चले जाते हैं। तो इस वक्त सारा प्रेशर जो है टोबरमोरी, मैनाटोलिन और नॉर्थ की तरफ जाने वाले जितने भी रोड हैं वो सब भरी हुई हैं, क्योंकि लोग सारे उस तरफ जा रहे हैं। तो समझे वो कॉटेज वाले जो लोग हैं वहाँ के, जो आगे पीछे के इलाके हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं उनकी लॉटरियाँ निकल आई हैं। वैसे भी इस दौर में मार्च ब्रेक के अंदर लोग नॉर्थ में कॉटेज की तरफ ही जाते हैं, तो अब एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की। तो चले व्यूअर, जैसे जैसे बीच बीच में आता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सी इमरजेंसी या कौन सा लॉकडाउन है। रोड्स वैसी की वैसी भरी हुई हैं, पीपल आर ड्राइविंग वेरी अग्रेसिवली। तो लेट्स सी, हम भी उनमें शामिल हैं कि एटलीस्ट रोड पे तो हैं, तो डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई हैव टू फॉलो टू। सो लाइफ इज एज यूजुअल, आई डोंट नो। जी हजूर, मैंने ये गार्डनर से लेक शोर पे 149 की एग्जिट ली है, मेरे पीछे कुछ सामान है खटखट कर रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ म्यूजिक लगा के इस आवाज को दबा लूं, और अगर फिर भी आप लोगों को सुनाई दे तो टू बैड, आई एम सॉरी। ये राइट साइड पे पार्किंग लॉट है सर कैसीमिर गुआस्की पार्क, 2001 लेक शोर बुलेवर्ड। इसमें एक भी पार्किंग खाली नहीं है, पब्लिक का फंड टाइम है, सारे के सारे जो हैं वो करीब करीब कोई नहीं है, लेकिन साथ में चूंकि लेक लगी हुई है तो पब्लिक इज हैविंग गुड टाइम, इट्स अ स्प्रिंग लाइक वेदर, सो व्हाट कैन यू डू। मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी एग्जिट भूल गया हूँ, सामने सीएन टावर नजर आ रहा है, मुझे एलिस स्ट्रीट के ऊपर लेफ्ट बनाना था, लेकिन मैं आगे निकल गया उस वक्त मैं आपको दिखा रहा था। ये सारा राइट साइड पे सारी लेक शोर है, लेक है, और हमारा टर्न सिग्नल कहाँ आ गया। जी वियर, अब मुझे यहाँ से ये क्वींसवे से लेफ्ट बनाना है,
ये बड़ा लश ग्रीन इलाका होता है समर के अंदर, बहुत ज्यादा लश ग्रीन, और मुझे यहीं से ही राइड बनाना है। ये मैं क्वींसवे के ऊपर जो पैरेलल चल रही है गार्डनर के, और ये टोरंटो का पुराना पुराना तरीन इलाके इलाकों में से एक इलाका है। और ये लेफ्ट साइड पे जो है ये इनकी जो स्ट्रीट कार है, मोस्टली इन्होंने अब बसेस वगैरह ख़त्म कर दी हैं। ये देखें ये सारी जो है ना मोस्टली से इसके अंदर जो है बसें कम हो गई हैं, अब ये स्ट्रीट कार चल रही हैं यहाँ पर ज़्यादातर। और मैंने ना मारना, दाएँ से भी स्ट्रीट कार, लेफ्ट से भी स्ट्रीट कार, ऊपर से स्ट्रीट कार। अब मुझे ऐसे लोग जो हैं, हम लोग जो सबर्ब के आदि हैं, सबर्ब कह रहे हैं मिसागा कह लें, यार ऑफ टोरंटो के जो आदि हैं, हम लोग यहाँ आके वो ऐसे ही होता है ना, वो जो गाँव से आता है आदमी और वो शहर में आके लॉस्ट हो जाता है, लाहौर शहर में। हियर अगेन आई अपोलोजाइज फॉर ठक ठक इन माई कार बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मेटल विच आई एम गोइंग टू डिलीवर ड्रॉप इट टू समबडी ओवर हियर इन क्वीन एंड लैंसडाउन। अब मैं ये नीचे मेरे जो है ये उसका ट्रैक चल रहा है, उसकी वजह से खड़खड़ खड़खड़ बहुत ज़्यादा है। सारी दुकानें बंद है एज यू से एज यू नो दैट। ये बड़े ही बिजी, यहाँ गाड़ी चलाना अजाब होता है नॉर्मल दिनों में। अब चूंकि हर चीज़ लॉकडाउन है, क्लैंप डाउन है, कल रवीश कुमार का मैं सुन रहा था, ये देखें ये सारे जो है ना होमलेस हैं, और जी ये होमलेस माहौल है। दिस इज अ लिटिल बिट टच ऑफ वैंकूवर। मैं ऐसा ही चलाऊंगा भले पीछे स्ट्रीट कार मुझे दबाए या कुछ भी करे। अब अगली स्ट्रीट पे ही मुझे लेफ्ट बनाना है, दो स्ट्रीट के बाद ही। तो ये आप देख सकते हैं ये पुराना 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 टोरंटो का 100 साल, 150 साल, 200 साल। ये देखें लो जी बस स्टॉप के अंदर ही इनका घर बना हुआ है होमलेस का, और इस स्ट्रीट पे मुझे लेफ्ट बनाना है। द ग्रिल कॉटेज सब बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, और स्ट्रीट्स के ऊपर होमलेस का राज है। ओह मेरी खुदा या माय लाइट, आई शुड बी टॉकिंग, आई शुड बी मेकिंग। अंदर के एरियाज के अंदर जिस तरह ये देख रहे हैं ये बस जा रही है, मेन स्ट्रीट के ऊपर जो है ना इन्होंने वो कर दिया है। ये पुराने तरीन मकान है, यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा एहसास होता है। ये है टोरंटो, ये जो क्या नाम है शीशे की बिल्डिंग है, और आई एम ग्लैड आई टर्न द कैमरा ऑन, यू गाइस कैन सी इट। तो ये है पुराना टोरंटो, यहीं से मुझे राइड बनाना है C4। ओ भाई नेकर का जमाना नहीं आया अभी, चले जी मैं राइड बना लेता हूँ। आई एम डूइंग टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम। पार्क डेल पब्लिक स्कूल जूनियर एंड सीनियर, ये लेफ्ट साइड पे है। तो मैं पार्टी को कॉल कर दूँ कि आई एम डाउन स्टेयर, एक मिनट मुझे दीजिएगा, आप जब तक जो है आप यहाँ का नज़ारा करें, आप देखें कि कैसा नेबरहुड है। हेलो, yeah I'll be around 1 or 2 minutes downstairs. Okay, I'm coming. Thanks a lot, bye now. Thank you, bye. चले व्यूअर, तो ये देखें मैं जान के इस कैमरे को ऑन रखा है, मैंने बंद नहीं किया। आप ये देखें ये है पुराना टोरंटो, मैं इसको और जरा वो कर दूं वाइड एंगल में कर दूं ताकि आपको ज्यादा नजर आए। बीच बीच में ये तोड़ तोड़ के जो है ना ये बिल्डिंगें बन रही हैं, ये देखें ये मकान पुराना है। क्योंकि मैं हिस्ट्री का ज्योग्राफी का जिस तरह मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है, जिक्र किया है, का मैं स्टूडेंट हूँ, और आई लव हेरिटेज ओल्ड बिल्डिंग्स। ये इस तरह की बिल्डिंगें होती थी, जिस तरह मैंने ब्रैम्पटन की वीडियोज़ बनाई हैं कि 100 साल पहले ब्रैम्पटन क्या था और अब क्या है। इसी तरह अभी बीच बीच में जो है ना ये जहाज खड़े कर दिए हैं। I don't know. Okay, so I'm here.
चलें व्यूअर थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ। जी व्यूअर, तो ये देखें, ये इसको वाइड एंगल पे या वाइड ही है, एक तो वाओ ह्यूज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, आई डिडंट इवन नो दैट। ये कौन सा है? ये अच्छी खासी 105 बिल्डिंग, ये 105 में जाता है। लेट्स सी गाइस, यू कैन सी दैट टू। अच्छा जी, क्या मैसेज आया है? पाकिस्तान सेंडिंग रेट। अरे वाह भाई, क्या माहौल बना हुआ भाजी। भाजी गलत आ गए हो। आप भी मेरे साथ पूरा सर देंगे, तो यहाँ से जा सकते हैं आई बिलीव। ओ या, वी कैन गो फ्रॉम हियर। आप सैर कर रहे हैं व्यूअर, आप घबराए नहीं। वो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मेरी वीडियोस में कटिंग पटिंग नहीं होगी, जो देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, आप भी वही देखो। क्या जबरदस्त सीन है इसका, जबरदस्त इन्होंने ये बनाया है, नया स्टाइल देखा है कबूतरों ने और बारिश की काई ने, थोड़ा सा हशर किया हुआ है। काश के मैं आपको हाइट इन बिल्डिंगों की दिखा सकता, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मैं शायद ना दिखा पाऊँ।